हुए हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स इनके कपड़े पहने हुए हैं। तो मेरी फर्स्ट एसोसिएशन है भारत आइकन के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल टू बी हियर। फर्स्ट रिएक्शन यही आया कि बहुत सारी ब्यूटीफुल वंडरफुल खूबसूरत लेडीज़ को एक स्टेज पे देखने का मौका मिलेगा और अच्छे लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। एंड यार दैट्स अबाउट इट। अभी मिस्टर भी आ गया है, मिस्टर भारत आइकन। ओह यस, मिस्टर भी आ गया है इसमें, मिस्टर मिस मिसेस सारा कुछ कवर हो गया। आई थिंक अब अगले साल किड्स का सेक्शन भी ये लोग इंक्लूड कर देंगे ऐसा कुछ। मास्टर मिस्टर इज मोर डिमांड देन मिसेस। नो सर, नाउ द मिस्टर इज एडेड, बिफोर दैट देयर वाज नो मिस्टर। राइट, डू यू थिंक इट विल बी ग्रेट डिमांड? आई गेस सो। आई थिंक मे बी देव स्टडीड, उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने ऐड किया है, तो मुझे लगता है डिमांड की वजह से ऐड किया होगा। ये मेरा दूसरा बार है जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। भारत आइकन जब सीज़न 2 हो रहा था तब मैं पहली बार यहाँ आया था। लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था, इस बार तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मिस्टर भारत आइकन भी हो चुका है। शायद मैं भी आ जाऊँ उसके लिए, बट पिछली बार से आई एम श्योर ज़्यादा मज़ा आएगा। पार्टिसिपेट शायद अगले साल कर लूँगा, आप और मैं दोनों साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। या दैट्स अ गुड वन। सो व्हाट वन हेल्थ टिप दैट यू विल गिव टू द कंटेस्टेंट्स एंड व्यूअर्स? सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप, हर चीज़ खाओ। ये नहीं कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वजन खाना रोक देने से कम नहीं होता है, खाना खाने से कम होता है। सो हेल्थ टिप इज ईट फूड। बड़ा पाव तो दिख रहा है छोटा सा। टाइम लिमिट जैसे लोग कहते हैं कि 8 बजे तक खा लो, ये सही है? ये एक अलग काइंड ऑफ डाइट होता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे बोला जाता है। तो हाँ ये सही होता है, 8 बजे के बाद मत खाओ और सुबह 12 बजे अपना फास्ट खोलो, इससे okay. काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं आयोजकों को खास अभिनंदन देता हूँ और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे ऐसी शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे बड़े बिल्डर इकोनॉमिक टाइम्स में सर को अवार्ड मिला है, तो ये हमारे गौरव की बात है कि सर इतना अपना टाइम निकाल के यहाँ पे सहारा में आए हैं। कांग्रेचुलेशन सर। पुरुष भाई वोरा हमारे साथ है, फोटो पढ़ाई लो ने सर, भारत आइकन के लिए विशेष दीजिए। जितने पार्टिसिपेशन है उनको सबको बेस्ट विशेष है। थैंक यू सर। सर I'm really glad that I'm part of Bharat Icon and thank you so much Akhil ji for giving me this opportunity, and I was looking for this platform and very very excited today to be performing here on stage with all the beautiful people out here. See, आज मैं स्टेज पे गाने वाला हूँ एक राजस्थानी सॉन्ग, बिकॉज आई एम पर्सनली राजस्थानी एज वेल। सो एक बहुत ही अच्छा नॉन फिल्मी राजस्थानी गाना है जो टीवी में भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गा रहा हूँ मैं। हो लुक चुप ना जाओ जी, हो मन दीद कराओ जी, और रह क्यों तरसावे हो, हो मन शक्ल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले बोने पंगा जी मैं कह लगे, ए मारे हिवड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी, चांदनी मन दामन में बादी खुशी रे, झुम 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 बा झुम। थैंक यू सो मच। Bharat Icon is a very beautiful concept, and Mr. Bansal has been doing it for many years, and they are trying to promote beauty with the brains. So women are beautiful, they are always considered beautiful in society, but they want to bring out the best talent in the woman, and they want to see the beauty with the brains, that so that the best potential and all the aspects of the woman, the beautiful aspect and the intelligent aspect, both the aspects come out. So I wish the organizers all the best. Sir, Ravi Mr. bhi aa gaya hai, Mr. Bharat Icon this year. To unka bhi beauty with brains aa jata hai, kyunki Mr. log bhi bahut handsome kabhi hote, Mr. bhi handsome hote hain aur unka bhi intellect, wo answers dete hain, to hum unka intelligence, hum we can measure the intelligence and their potential comes out. Okay, thank you sir. Icon award ho raha hai. हाँ जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड आई थिंक ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत सारी औरतों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और वो कुछ हटके करें और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज इवेंट। लगता है कि आज भी जरूरत है औरतों को
आगे लाने के लिए बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरत है, बिकॉज आज भी औरतें जो है वो एक सेकेंड ग्रेड सिटीज़न मानी ही जाती हैं, और अगर आप रूरल इंडिया में देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम ये ऐसे इवेंट्स करते हैं तो लड़कियाँ ऑल ओवर इंडिया से आती हैं, हम बस बॉम्बे को नहीं देखें, बॉम्बे में भी बहुत सारा एक डेवलपमेंट लड़कियों में आ गया है, बिकॉज इट्स ए लार्जर टाउन। जी, तो आज पहली दफा इस दफा ज्वाइन हुआ है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट। थैंक यू। ये बहुत अच्छा अवार्ड है भवंस के लिए, क्योंकि खास करके महिलाओं का जो पावर इसे दिखता है, और मैं चूँकि आज दो तीन जगह फंक्शन है जिसे मैं अपनी हाजिरी दे के यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक्सलेंट प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने से लोगों को एक जज्बा मिलता है, एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। और मैं बंसल साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ताकि हमारी जो महिला हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, एक पावर मिलता है। सोफिया, सबसे पहले तो मिस्टर मिस मिसेस भारत आइकॉन 2019 के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी लोग हैं स्पॉन्सर्स वगैरह, मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत ही कामयाब शो मैं देख रहा हूँ जो कि हो रहा है, और ऐसे शोज़ बेसिकली जैसे पापा ने कहा बिल्कुल सही है कि होते रहने चाहिए, बिकॉज इससे नया टैलेंट बाहर आता है और इंडस्ट्री को नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, और एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिन लोगों को मौका नहीं मिलता। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, एंड मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और जितने भी लोग आज जीते हैं उन सबको ही मुबारकबाद, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको ही बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आने वाले की तैयारी के लिए एक नई सोच, नया जोश होना चाहिए। थैंक यू। करने जा रही हूँ, फर्स्टली आई एम गोइंग टू वॉक फॉर जागृति, जिनके क्लोथ्स मैं पहन रही हूँ आज, एंड सेकेंडली आई एम गोइंग टू परफॉर्म टुडे, आई एम गोइंग टू सिंग फॉर एवरीवन, सो बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है, आप सब आइए। अगर किन महिलाओं के लिए जो आ सकती हैं, मैं तो यही कहूँगी कि वो अपने पति देवों को मनाएं कि ये हमारा शौक है, अगर वो रियली चाहती हैं तो उनको मनाएं, और आई थिंक आजकल के मैन काफ़ी फॉरवर्ड हैं, दे आर लाइक फ्रेंड्स नाउ, और उनको ज़रूर आने देंगे। बस देखिए, इस अवार्ड का तीसरा साल है, और भरत बंसल जी को बहुत बहुत मुबारक, मिस्टर भारत, मिसेस भारत, और मिस भारत, मिस भारत, तीनों। हाँ, तो अच्छा है ना, मिस्टर भी, मिस्टर को भी कुछ इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। आपने कई देखिए, कॉन्सेप्ट ही अलग है, मिस्टर एंड मिसेस भारत तो पहले तो मैंने कभी नहीं सुना ये, और कॉन्सेप्ट अलग है, और हाउस वाइफ को भी जैसे कि कह रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं, और इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आता है, और एक मैं भी अभी देखूंगा जाके फैशन शो कैसा है, क्या के बाद देखेंगे। Actually, Bharat Icon Awards is a really great event, and मैं सब contestants को heartiest wishes देना चाहूँगी। वैसे तो सभी winner हैं, but ultimately we have to choose one, so may the best person win. And I really love the fact कि बहुत अलग feel से it's recognizing a lot of people. So yeah, good luck to all of them, and good luck to Bharat Icon Awards. You are also walking the ramp for Riyaz. That's right. I'm walking the ramp for Libas, which is by Riyaz and Reshma Ganji. So yeah, I'm super excited. And you're wearing a Libas outfit? Yeah, I'm wearing this really beautiful yellow outfit, which actually मुझे स्नो व्हाइट की याद आ रही है. So looking at this, you know, we used to read fairy tales in school. So it exactly reminds me of Snow White. So I'm feeling like Snow White. Yeah. I should search for my dwarfs now. Yeah, you can. I think they'll be waiting for you. Yeah, definitely. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thanks all. Ram for Bharat Icon. So you're wearing libas. Yeah. So how excited are you? I'm very excited. Actually, libas has given us very nice, elegant, classy gowns. So who will not be happy? That's a beautiful girl's dream come true. Yeah, we don't dream like I think the gown is also happy on us, right? Yeah, of course. I think designers, you are also blessed with the height and beauty. You are a designer's dream to be dressed. Yeah. Thank you. Okay.
hope to work with Libas again. Yeah, I think of course. अवार्ड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि भारत आइकन अवार्ड है, तो ये लोग आइकन आइकन बनाने में डिस्पैक्ट ही नहीं कर रहे हैं कहीं भी. मिस, मिस्टर एंड मिसेस ये तीनों हैं, और इसमें सिर्फ ब्यूटी से ही नहीं जज किया जाएगा बल्कि ब्रेन्स भी देखा जाएगा कि हाउ यू नो मतलब ब्रेन या मेंटली वो कितने यू नो हाउ वेल दे आर मेंटली, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो, स्पेशली द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, क्योंकि दैट इज़ द टाइम जब आपको पता चलता है कि वो मतलब ब्रेन उनका कितना स्ट्रांग है. देखिए ये तो अच्छी बात है ना, ताकि एज आई सेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर, अब क्योंकि इन्होंने मिस्टर भी आ गया है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर ये बेबी आइकन भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अब बच्चों को क्यों ऐसे लगे ना कि हम नहीं वॉक कर रहे हैं. तो आई एम श्योर दैट नेक्स्ट ईयर देर एड बेबी आइकन. सॉरी, यस एग्जैक्टली, मम्मी पापा और बच्चे, मम्मी पापा दीदी भाई भैया और बच्चे, बिकॉज मिस भी है ना, तो मिस्टर मिसेस मिस एंड बेबी. सो आई थिंक द एंटायर फैमिली पैकेज, मिस्टर मिसेस एंड मिस फॉर परफॉर्मिंग योर, वी केम योर फ्रॉम सूरत एंड वी वर रियली ग्लैड टू मीट अखिल बंसल, मिस्टर अखिल बंसल, एंड ही हैज गिवन अस सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म विद ऑल द सेलिब्रिटी रैम्पिंग ऑन द स्टेज. सो थैंक यू सो मच अखिल भाई वंस अगेन. एंड ताल ग्रुप इज ऑल अबाउट इंडियन फोक डांसेस, एंड टुडे वी रियली डिड ऑन इंडियन फेस्टिवल द होल डांस, एंड इट वॉज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड विद ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड ताल इज अगेन बेस्ड विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल शोज एवरीवेयर in India as well as outside India. So thank you once again, and thank you so much, and we rock the stage again, and thanks to my team again, rock the stage. Thank you, bye. Thank you. सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, जब भी कोई ऐसे पेजेंट होता है, और जब भी आई थिंक ये मिस्टर एंड मिसेज है, राइट, सब कुछ. ओ वाओ, क्या है, मिस एंड मिस्टर, वाओ. सो सबसे पहले मैं ये कहूँगी मैरिड औरतों के लिए, जिनके लिए यू नो घर में होती हैं, उनके सिर्फ काम कर सकती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मेरे हिसाब से मिसेज यू नो कोई पैजेंट जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उनको मौका मिल रहा है यहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस करने का. और यू नो सिर्फ घर में बैठना ही सब कुछ नहीं होता, घर का काम भी बैलेंस करना, एट द सेम टाइम यू नो अपनी ब्यूटी, अपने सारे टैलेंट्स दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है. चीज़ों को एक वुमेन वही होती है जो हर चीज़ को बैलेंस कर सके, तो वो करने का उनको मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है. और मैं अंदर जाके अब देखूंगी कंटेस्टेंट सारे. जी, अरे पूरी दुनिया वेट कर रही है बिग बॉस 13 का, और जाहिर सी बात है कि हम भी वेट कर रहे हैं. तो कंटेस्टेंट्स देखने हैं कि कौन कौन आया हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है. टुमारो इज संडे, 29th है, अब कल देखते हैं क्या होता है. सो आई एम वेटिंग. बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा एक नई शुरुआत है अगेन. एंड ये चीज़ हम अपने जैसे रापची पे वी आर टेलीकास्टिंग इट, तो एक नया इनोवेशन है कि कैसे अवार्ड शो टाइप काइंड ऑफ थिंग भी हम OTT पे ला रहे हैं. रापची के साथ हम भी कुछ, यस यस सर, वी आर धमाका होने वाला है एक्चुअली. वेरी 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 सर जी, अभी हम बता नहीं रहे लेकिन डेफिनेटली जल्दी होने वाला है. एंड ये पूरा क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है, हिमांशु जी. तो हम बहुत जल्दी साथ में वी आर गोइंग टू डू. एंड बंसल जी को एक बार फिर से बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो. सी अभी तक क्या था कि जो सिर्फ लेके जो लेडीज का लेके जो अवार्ड शो होता था, इट्स अ गुड थिंग कि इसमें तीनों उन्होंने टाइटल दिया मिस्टर मिस एंड मिसेस, तो उन्होंने कोई भी चीज़ उसको छोड़ा हुआ नहीं है.
तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इसको लेके आ रहे हैं. इट्स अ गुड थिंग एंड होप फॉर द बेस्ट. और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो आप सबको जय माता दी एंड गुड लक. धर्म जी और हम तो रापची के लिए एक धमाका करने वाले हैं, लेकिन आप सब जब आज यहाँ पर है तो मैं बता दूँ अगले महीने एक धमाका मैं भी करने वाली हूँ, तो उसके लिए जरूर तैयार रहे. नहीं नहीं ध्यान से देखिए, अगले महीने इंतजार करिए. बस अगले महीने में मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, बस एक बड़ा धमाका है जो सिर्फ हिमांशु जी जानते हैं उसे लेकिन आप ही नहीं बताएंगे. सो एक बड़ा धमाका होने वाला है जल्द ही नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए वेट करें और बहुत सारी बातें करेंगे. बहुत तगड़ा मजा आने वाला है. नहीं नहीं बिग बॉस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मैं बता दूं ये मेरी मूवी से रिलेटेड है. मेरी मूवी का लॉन्च है तो इंट्रोडक्शन है वो मैं बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती. मुझे डर लगता है कुछ भी बताने से. और उसके बाद फिर बैक टू बैक एक बहुत बड़ी चीज रापची पे भी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं. थैंक यू सो मच. वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जल, चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं. जो बात कर ले आ, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं. वो चुप रहे जी. थैंक यू. कैन यू गाइस हियर मी? हाय, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट मिस्टर मिसेस भारत आइकॉन 2019. आई विश गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड आई एम एक्चुअली हियर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द H2O मूवमेंट एंड मूवी एंड या डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द होल इवेंट हैपनिंग टुनाइट. के ऊपर क्या कहा जाए, भारत महान है हमारा. एनीवे ये जो अवार्ड है मिस्टर मिसिज एंड मिस का भारत आइकॉन, एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें मौका दिया जाता है सबको. और मुझे खुशी है कि मिसिज का है, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि नाम लिए हम लोग हमेशा भूल जाते रहे हैं. तो ये एक इस साथ में जोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है. मेरी शुभकामनाएं पूरी कंपनी को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है और सब जगह जगह से मॉडल आए हैं यहाँ पे, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जीतेंगे उनको भी बहुत सारी मजबूत वाली शुभकामनाएं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर, बाय बाय. सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस फंक्शन में बुलाया गया. और इस फंक्शन की जो USP खासियत जो लग रही है कि मिस्टर मिस एंड मिसेस तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तीनों को जहां सब अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. और इस तरह का जो प्रयास है ये बड़ा खूबसूरत प्रयास है. मेरी हार्दिक और दिली शुभकामनाएँ हैं. इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए. ये एक कामयाब सफ़र होगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है. भारत आइकॉन अपने आप में बहुत मजबूत बड़ा नाम है और इस प्रोग्राम का जो नाम ही रखा गया बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल है. जितना पावरफुल और ग्रेविटी वाला ये नाम है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, उतना ही पावरफुल और ग्रेविटी वाला ये प्रोग्राम भी होगा और सक्सेसफुल होगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. भारत जिसका जिस अवार्ड के साथ भारत नाम जुड़ गया है उससे बड़ा क्या अवार्ड होता है? भारत रत्न, भारत, तो भारत से बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है. और ये अवार्ड होने जा रहा है, सारे पार्टिसिपेंट्स को, सबको, जिसमें मेरी पत्नी भी पार्टिसिपेंट है, तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ. और भगवान करे ये अवार्ड बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और इससे जुड़े लोगों को भी खूब खुशी मिले. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ये जो मिस्ड एंड
मिस्टर एंड मिसेस भारत अवार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन ने नया प्लेटफॉर्म दिया है. स्पेशली मैं इसके लिए आई हूँ टू एनकरेज वीमेन दोज हु आर मैरिड और जो अपने घर से बाहर नहीं निकली थी. तो आज की तारीख में अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमको मिलते गए तो ऐसे औरतों को इनकरेजमेंट मिलती है और उनको झांकने की, अपने अंदर झांकने की का मौका मिलता है. और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो कॉन्फिडेंस एक औरत में बढ़ना चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म देता है. और मैं इन ऑर्गेनाइजेशन को और जो भी इन्होंने एफर्ट्स लिए हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और ऐसे प्रोग्राम ज़्यादातर होते रहे और ऑल ओवर इंडिया की औरतों को, ज़्यादातर वो झारखंड या राजस्थान या वहाँ से आई हुई औरतें हैं जिनको शायद पर्दे से बाहर निकलना मुश्किल होता है, पर आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से और ये इन्होंने जो एफर्ट्स लिए हैं मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और तहे दिल को उनको शाबाशी देना चाहती हूँ. जो भी हमारी तरफ से मुक्ति फाउंडेशन की तरफ से आपको कोई भी मदद लगे या वुमेन को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, वी कैन करके हमने कैंपेन किया है और मैंने मार्शल्स ट्रेनिंग दी है. तो जो भी हिस्सा आपको लगता है कि मुक्ति फाउंडेशन कैन बी पार्ट ऑफ इट, मैं ज़रूर ज़रूर इनकी मदद करूँगी. थैंक यू सो मच. This has been the second year. This is the most genuine awards that we are seeing. The contestants are given full justice and yahan pe kuch bhi gadbad nahi hai, gotala nahi hai, kuch nahi hai. Straight away yahan pe neat clean unke marks pe hi unko award diya jata hai. And meet, these are my celebrities who have worked for me. I am a designer, so let me introduce. She is Priyamvada Kant and she is very famous in Tanali Rama and at present she is doing Splitsvilla. So she is a young icon. She is Shweta Khanduri. I love you all for that. Yeah. Again actress. Then she is Sarita Pal. Yeah, she is the producer and wife of Sunil Pal. Yeah. Yeah, I'm here. I'm yeah. Sunil Pal is always there with me. I can tell the whole media. Yeah. Yeah. And she is Yamini. She is doing a debut film बधाई हो बेटी हुई है, यहाँ पे पोस्टर है. एंड शी इज द फेमस बॉलीवुड सिंगर प्रीति भल्ला. या सो नाउ यू कैन आस्क. अवार्ड इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एनी वुमेन आई गेस. आई ऑलवेज बिलीव दैट वुमेन शुड गो आउट, जस्ट नॉट इन द हाउस बट दे शुड डेफिनेटली. सो आई डेफिनेटली सपोर्ट मिसेस वेर एवर इट कम्स. सो आई एम हियर टू सपोर्ट इट एंड ऑल्सो टू जागृति बिकॉज शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी designed lovely outfits and today we are wearing her outfits and actually enjoying this entire event. बहुत ही अच्छा इवेंट है. दिस इज मिसेज, मिस एंड मिस्टर एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों कॉन्टेस्ट ऐसा होता नहीं है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड वॉकिंग फॉर जागृति इज ऑलवेज ग्रेट एंड शी इज डिजाइन ब्यूटिफुल आउटफिट्स और हम सब बहुत सुंदर लग रहे हैं. वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद यू. थैंक यू. सबसे पहले अखिल बंसल जी को बहुत बहुत बधाई. उन्होंने ये जब से शुरू किया है इस कारवा को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं. और उसके बाद मैं चाहूँगी हमारी सबसे खास डिज़ाइनर जागृति विक्रम जी के लिए, जिन्होंने हम सबको इतना सुंदर बना दिया और सडनली हम सबको यहाँ ला करके एक सरप्राइज़ दे दिया. और बस यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर किसी के साथ बहुत जस्टिस हो रहा है. आप सबका इसे ऐसे ही प्यार मिले, मीडिया इसे अच्छी तरह पोर्ट्रे करे. थैंक यू सो मच. You said all you are, all misses are there, all beautiful misses are there. No. And now Mishra. No, 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 no. In the pageant, there are misses. Also, misses also there. Yeah. But now Mr. also is introduced. Don't you think that demand is gone little less for the miss or misses? No, no. No, 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 not at all, not at all, not at all. That's why मिसेस इंडिया तो यहाँ पर होगी, पर आपको पता है मिस्टर इंडिया का मतलब गायब होता है. तो सारे मिस्टर इंडिया गायब है. हर शाम बड़े खूबसूरत इवेंट्स होते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं घर में खाना ना खाएं. ऐसे इवेंट्स में जाएं जहाँ मजा हो, मस्ती हो, नए नए टैलेंट्स मिले, हर फील्ड के टैलेंट मिले.
मित्र जी ने खबर कर दी कि आ जाइए, तो हम लोग पहुँच गए और अब यहाँ से खूब मजा करके जाएंगे। सैटरडे को आए हैं, संडे को जाएंगे। कल कौन होस्ट कर रहा है? मैंने सुना मैं कर रहा हूँ। बिग बॉस का जो पिछले साल हंगामा हुआ, मैं चाहता हूँ कि उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा हो, और बिग बॉस बहुत सक्सेसफुल है।